ओके, आपको फिर से आना पड़ेगा। एक मिनट, मेटल ड्रेस पहनी हो ना, इसलिए। जाइए मैडम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनने आई हूँ। अरे अब मैं मिनिस्टर को संभालू या तुमको? मुझको। विपक्ष की बात ही निराली है। हम जो कहते हैं या करते हैं वो उसका विरोध करते हैं। अब इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पर कीचड़ उछालना वो अपना काम समझते हैं, हम जनता की सेवा करना अपना फर्ज समझते हैं, तो हमारी बुराई करना वो उससे भी बड़ा फर्ज समझते हैं। आजकल उन्हें एक नया जुमला मिल गया है, कहते फिरते हैं कि राणा जंग बहादुर की बहादुरी को जंग लग गया है। अब उन्हें क्या मालूम कि हमारी बहादुरी स्टेनलेस स्टील की है, जिसमें जंग लग ही नहीं सकता। मेरे देशवासियों, वो ये भूल गए कि पिछले दिनों हम पर एक कातिलाना हमला हुआ था, लेकिन हम मैदान छोड़कर भागे नहीं, डटे रहे। अरे हम सरफरोश हैं, सरफरोश, और हमारा कहना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दुश्मन जितने चाहे मुझ पर हमले करे, मेरे शरीर को गोलियों से छलनी छलनी कर दे, मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा आपसे वादा है कि मैं अपने देश को हर कीमत पर बचाऊंगा। मिनिस्टर राणा जंग बहादुर की रक्षा करते हुए कमांडो अर्जुन श्रीवास्तव कश्मकश में पड़ गए। फर्ज के बीच उनकी मोहब्बत आ गई और अर्जुन श्रीवास्तव ने फर्ज से ज्यादा मोहब्बत को जिंदा रखना जरूरी समझा, जिसके कारण मिनिस्टर राणा जंग बहादुर की हत्या हो गई। इसलिए अर्जुन श्रीवास्तव को एक गैर जिम्मेदार ऑफिसर करार देते हुए कमांडो की पोस्ट से डिसमिस किया जाता है। जान से प्यारे अर्जुन, मैंने जब भी तुम्हें अपनी असलियत बतानी चाहिए तुमने मुझे रोक दिया। मैंने राजेश्वर के कहने पर तुमसे प्यार का नाटक किया, लेकिन अनजाने में सचमुच प्यार करने लग गई। जब तुम्हें चिट्ठी मिलेगी, राणा जंग बहादुर मर चुका होगा और मैं तुम्हारे प्यार के बंधन को हमेशा के लिए तोड़कर दूर जा चुकी होंगी। हो सके तो कभी प्यार से याद कर लेना। तुम्हारी शालू। लंकेश्वरा, तुम्हारा दिमाग उससे कबाट दीजिए। अब इसके अंदर ठंडा पानी डालकर मेरी बात सुनो जी। तुम 3 साल से चौरसिया के साथ पंगा लेते जी। अब चौरसिया तो सिर्फ हमको धमकी दिया जी, अगर वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गया ना जी, तो तुम खाना कैसे खाएगा जी, तुम दारू कैसे पिएगा जी, तुम डंडा कैसे मारेगा जी। डॉक्टर, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया वो पूरा होगा, हाँ? जो रास्ते में आया फिनिश। सर जी, राणा जंग बहादुर की हत्या क्या हुई, मानो शहर में खून का सैलाब आ गया।
पिछले 3 साल में कई मंत्री मारे गए, जगह जगह बम ब्लास्ट हो रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं सर जी, बेगुनाह लोग। अगर 3 सालों में यह हाल है तो आगे क्या होगा? सत्यजीत, तुम कहना क्या चाहते हो? यह मौत का खेल मैं खेल रहा हूँ? अरे नहीं सर जी, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। और क्या मतलब था? राणा के मरने के बाद पिछले 3 साल से उसका मंत्री पद मैं संभाल रहा हूँ। ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अरे रघुवीर जी, आप रघुवीर जी यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? बातें कुछ ऐसी है, हमारी पार्टी का एक मेंबर विदेशी ताकतों से मिलकर मंत्रियों की हत्या करवा रहा है ताकि हमारा देश आतंकवाद और डर से घिरा रहे। हमारी पार्टी का मेंबर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका नाम क्या है? आज रात मुझे उस देशद्रोही के नाम का पता चल जाएगा और कल सुबह पार्टी मीटिंग में उसे सबूत के साथ एक्सपोज कर दूंगा। अपना ख्याल रखना, काम बहुत खतरे का है, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी मीटिंग होने से पहले आपको कुछ हो जाए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। हेलो। कल सुबह? ठीक है सर। कल सुबह क्या होने वाला है? कुछ नहीं बेटी, रघुवीर जी बुढ़ापे में बहुत ज्यादा खतरा ले रहे हैं। डैडी, पॉलिटिक्स में कदम कदम पे खतरा है। बाय डैडी, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। ओके बेटी। तुमने ठीक कहा बेटी, कदम कदम पर खतरा है। जब भी तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम आईने में मेरी मांग भर के बात उड़ा देते हो। अरे मेरी स्वीट हार्ट, ये सिंदूर की डिब्बी हर समय अपने पॉकेट में लेकर इसलिए घूमता हूँ कि जब मुझे मौका मिले फटाक से निकाल कर ये सिंदूर तुम्हारी मांग में भर दूँ। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मेरे जो प्यारे मुछड़ भाई है ना, जब तक उनकी शादी नहीं होगी हमारी शादी कैसे हो सकती है? तो फिर आज छेड़ो ना भैया से शादी की बात। क्या बात कर रही हो, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था, मैं और भैया के सामने शादी की बात छेड़ूंगा? नहीं बाबा नहीं, मेरे से नहीं होगा, उनका दिमाग तो हर समय हॉट ही हॉट रहता है। अच्छा तो अब पता चला। एनीवे, हम दोनों मिलके तो बात छेड़ सकते हैं ना? ये बात ठीक है, तो आज हम भैया को ऐसा फंसाएंगे कि वो हमसे बच नहीं पाएंगे। कौन बच नहीं पाएगा और कौन किसे फंसाएगा? भैया आप कब आए? आपके लिए ठंडी चाय लेकर आओ। नहीं नहीं, भैया के लिए गरम गरम लस्सी लेके आना, यानी कि गर्मा गर्म जूस। हाँ चलेगा। वो कैसी बातें कर रहे हो भैया? आज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं और बहुत गुस्से में भी लगते हैं। इसलिए भैया, इंसान को जिंदगी में सुख दुख बांटने वाली की जरूरत होती है। क्या भैया? भैया अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, पहले सहरा बांधे बड़ा भाई, फिर घोड़ी चढ़े छोटा भाई। गधे, तो चढ़ जा घोड़ी पर, बांध ले सहरा, कर ले शादी, मैंने कब मना किया? नहीं नहीं, पहले बड़ा भाई और फिर छोटा भाई। हाँ, पहले बड़े मियाँ और बाद में छोटे मियाँ। इसलिए हमने भाभी घर में लाने का लेटेस्ट आइडिया सोचा है। इसलिए भाभी को डिस्को ले जाएंगे। हाँ। नहीं नहीं, भैया को डिस्को ले जाएंगे। डिस्को? हाँ, और वहीं से भाभी को पसंद करके लाएंगे। पागल हो गए तुम लोग, मैं डिस्को वाली को घर वाली बना कर लाऊंगा। भैया आज कल तो डिस्को में बड़ी बड़ी खानदानी लड़के भी साड़ी वाड़ी बन के आती है। और डिस्को और मैं डिस्को कभी नहीं जाऊंगा। भैया आज मेरे जन्मदिन पे भी आप नहीं चलोगे? आज तेरा जन्मदिन है? 27 नवंबर आज? मैं कैसे भूल गया? जन्मदिन मुबारक। थैंक यू भैया, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। इनके जन्मदिन की पार्टी रखी है डिस्को में। लंगूर की दुम पर अंगूर की बेल, पति हमेशा दारू पी के पत्नी को मारता है, लेकिन इधर देखो मामला ही उल्टा है, हर रोज अपनी पत्नियों से पिटके आ जाते हैं।
शक्ति सिंह, मर्द सारी दुनिया पर रोब जमा सकता है मगर अपनी औरत पर नहीं। एक बात और सुन लो, हर पति अपनी पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। म्याऊ। चुप, मैं बिल्ली नहीं आगा। ओए बिल्ला हूँ बिल्ला, इतनी जोर से चिल्लाता हूँ कि बाजू वाली बिल्ली भी डर के, मेरा मतलब है पत्नी डर के भाग जाती है, और जो मेरी बीवी है ना छोटे से चूहे की तरह चू 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 करती हुई बिल में घुस जाती है। इसका मतलब आपने उसकी फूफू करवा दी, मतलब डरती है आपसे? अरे डरती है, देखना मैं सांडनी है सांडनी, लेकिन मुझे देखते ही सूखे पत्ते की तरह थर थर कांपने लगती है। अच्छा आगे सुनो। सुनाओ। वो मैं कहता हूँ पानी लेके आ, वो डरती हुई साथ में दूध का गिलास लेके आ जाती है। वाह वाह वाह। मैं कहता हूँ दूध के गिलास के साथ आलू का पराठा क्यों नहीं लेके आई, वो डरती हुई कहती है मुझे माफ कर दो मैं आई 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 आई। अंगूर की तुम बल अंगूर की बेल, पत्नी को देख के इंजन हो गया मेरा फेल। क्यों जी, इन लोगों के साथ क्या बकवास कर रहे थे, जरा मैं भी तो सुनो। ओ मेरा कान छोड़ दे। ओ मैं बकवास नहीं कर रहा थी, तुम्हारी तारीफ कर रहा था। मैं इनको कह रहा था मेरी पत्नी को देखो, आहा वो कितनी पतली नाजुक श्री देवी है वो। कार दे कपड़े क्यों नहीं धोए, वो पानी चला गया सी। पोछा क्यों नहीं लगाया, पोछा गुम हो गया सी। बड़े हीरो बन के सवेरे सवेरे थाने चले आए, मुझे नाश्ता क्यों नहीं दिया। वो गैस मुक गई थी, खत्म हो गई थी। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। सुनो जी, हाँ जी। मैं जरा जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर। कान खोल कर सुन लो, वापस आने पर मुझे कपड़े धुल कर रस्सी पे सूखते हुए नजर आने चाहिए, वरना मैं तुम्हें निचोड़ कर रस्सी पे टांग दूंगी, समझे? समझ गया, नमस्ते। और एक बात, हाँ जी, बैंगन दा भरता, हाँ जी, और आलू दे पराठे तैयार रखना, हाँ जी, वरना मैं तुम्हारा भरता बना कर खा के बैठा हुई थी। वो दिन कब आएगा जब मैं इस मोटी भैंस को मार मार के अड्डा पट्टा बना दूंगा। ये मरती क्यों नहीं है, ये मरती क्यों नहीं है, मरती क्यों नहीं है? आपने मेरे को सद्या सर। जीप निकालो, जीप नहीं जीप निकालो। ओ जीप। एथो जामा, एथो। शुक्रिया। क्या कर रहे हो तुम? क्या करूं? कोई देख लेगा। तो क्या हुआ? Everyone knows about us. इस वक्त बेकार की बातें छोड़ो। तो? एक इम्पोर्टेंट रेड पर जा रही हूँ। रेड? हाँ। कौन सा रेड? कैसा रेड? पिकनिक कॉटेज पर बिल्ला सुपारी आने वाला है। वो कॉन्ट्रैक्ट किलर जो पुलिस के हाथों से हर वक्त बचकर निकला है। इस बार नहीं बच पाएगा, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ?